यू थैंक यू। ये सुन दो चेक पोस्ट है, यहाँ पे बाइक नंबर एंट्री करवाया हूँ, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ पूछ नहीं रहे। ये सुन दो चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद स्पीति वैली चालू होगा, थोड़ा सा आगे जाने के बाद स्पीति वैली चालू हो जाता है। अभी चाय पिया था तो यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, राइट साइड में कैंटीन है। काजा 73 गिव टेंपल वेल प्रिजर्व 500 ईयर ओल्ड मम्मी, यही है गिव विलेज 500 ईयर्स प्रिजर्व मम्मी है यहाँ पे। यहाँ से अंदर जाना होगा, 11 किलोमीटर अंदर जाओगे तो वो प्रिजर्व मम्मी आ जाएगा। मैं आपको ये गिव मम्मी रिटर्न में दिखा देता हूँ, अभी आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी यहाँ से ऑफिशियल हम स्पीति वाले में एंटर हो चुके हैं। इससे पहले जितना भी एरिया होगा वो पूरा किन्नौर वैली के अंदर आएगा, नाको ये सब। यहाँ से नज़ारा चेंज हो गया, देखिए आप लैंडस्केप देखिए, बिल्कुल अलग है यहाँ से। बाइक में बहुत ज़्यादा इश्यू आ रहे हैं, बार बार बाइक बंद हो रहे हैं, पता नहीं आज काजा पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी तरीके से मैं पुश कर रहा हूँ अपने आप को। यहाँ पे देखिए रास्ता कितना खतरनाक हो गया, पूरा एकदम नदी के किनारे किनारे हम जा रहे हैं। एक्चुअली बहुत हाइट पे हम जा रहे हैं, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड कितना बड़ा खाई है। वो जो ग्रीन कलर का पानी आपको दिख रहा है वो स्पीति वैली स्पीति रिवर है, पूरा क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है स्पीति रिवर। यहाँ का पहाड़ देखिए बिल्कुल अलग है, सामने देखिए स्नो कवर्ड माउंटेन्स, शानदार नजारा है, डेंजर भी है नजारा भी अच्छा है। मुझे तो इस कॉर्नर पे चलाने में बहुत डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर बैलेंस बिगड़ गया तो सीधा खाई पे चले जाएंगे, बहुत बड़ा खाई है लेफ्ट साइड। टर्निंग्स भी यहाँ पे बहुत शार्प टर्निंग्स है, अचानक से टर्निंग आ रहे हैं। अगर कुछ छोटे छोटे पत्थर ऐसा कुछ भी रहेगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा। देखिए फिर से बाइक बंद हो गया, वहां पे आगे रोक देता हूँ, यहाँ पे गैप नहीं है, कोई गाड़ी वाड़ी आ जाएगा तो दिक्कत होगा। यही चल रहा है आज पूरा दिन, गाड़ी बंद हो रहा है 2 किलोमीटर चलने के बाद, फिर उसको रोक रहा हूँ, साइड थोड़ा सा रेस्ट दे रहा हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ, बस यही कहानी चल रहा है आज। मगर जो भी है नज़ारा तो एक नंबर मिल रहा है यहाँ पे, सामने आप देख सकते हो शानदार पहाड़, बीच में स्पीति रिवर। यहाँ पे देख सकते हो आप ये पहाड़ देखिए, ये बिल्कुल अलग है। राइट साइड में लाइट ब्राउनिश पहाड़ है, लेफ्ट साइड में तो पूरा काला वाला पहाड़ है, बीच में स्पीति रिवर है। क्या शानदार व्यू है यहाँ का। यहाँ देखिए बिल्कुल अलग ही नज़ारा आ रहा है, सामने तरफ देखिए आप, लेफ्ट साइड काला वाला पहाड़, राइट साइड
लाइट ब्राउन कलर का पहाड़, दोनों के बीच में से हम जा रहे हैं। क्या व्यू है, एक्सेलेंट व्यू है एकदम। ये जो सामने एक पहाड़ जो है, ये पत्थर वाला पहाड़ है, मिट्टी के साथ मिला हुआ है, इसलिए डेंजरस बन जाता है। लैंडस्लाइड्स इसलिए यहाँ पे ज़्यादा होता रहता है, मिट्टी और पत्थर मिक्स होके ये पहाड़ बन गया था, इसके कारण यहाँ पे डेंजरस लैंडस्लाइड्स होता रहता है। कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी भागना पड़ता है यहाँ से। ये क्या है, कार को साइड में रोक दिया। अच्छा, यहाँ पे कुछ रोड का एक्सटेंशन कुछ तो कर रहे होंगे। ये कार देखिए साइड में कैसे रोक दिया, फिर से बाइक बंद हो गया, फिर से तीन चार मिनट ट्रस्ट देना पड़ेगा। फिर से बाइक बंद हो गया, जहाँ पे मैंने गोप्रो ऑफ किया था वहाँ पे भी बाइक बंद पड़ा था। अभी थोड़ा दूर आ गया हूँ, एक दो किलोमीटर, फिर यहाँ तक आने के बाद फिर से बाइक बंद हो गया। कम से कम अभी तक 10 बार तो बंद हो गया गाड़ी, फिर भी मैं चला रहा हूँ किसी भी तरीके से। सामने का नज़ारा देखिए कितना शानदार लग रहा है। एक बार कोशिश करते हैं, हाईएस्ट कूलेंट टेम्परेचर। चलो स्टार्ट हो गया, फटाफट भागते हैं। फिर से एक दो किलोमीटर के बाद फिर से बंद हो जाएगा, फिर से साइड में रुक के चलाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। यहां से काजा 59 किलोमीटर बता रहे हैं। ये कोई विलेज है शायद, वो ब्रिज को क्रॉस करके उस तरफ जाते होंगे लोग। ये देखिए सारे गधे हैं यहाँ पे, शायद वो विलेज वाले लोगों का होगा। यहाँ पे पहाड़ का कलर फिर से चेंज हो गया, देखिए यहाँ पे पानी गिर रहे हैं, छोटा सा झरना है। यहाँ पे देखिए आइस जमा पड़ा है, यहाँ पे वाइट वाइट का आपको दिख रहा होगा राइट साइड में, यहाँ पे भी देख सकते हो वाइट कलर का। इतना धूप है तब भी ये पिघला नहीं है। ये देखिए ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, लैंडस्लाइडिंग जोन होगा ये। सामने आप पहाड़ देखिए कैसे दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में सड़क के ऊपर। पूरा अलग ही नजारा है यहाँ पे, तो फिर से चेंज हो गया पहाड़ का बनावट। राइट साइड में आप देख सकते हो पहाड़ कुछ अलग ही टाइप का लग रहा है। वहां पे सामने देखिए कुछ अलग ही टाइप का स्ट्रक्चर्स लग रहा है। फिर से बाइक बंद हो गया, बाप रे बाप, मैं कैसे पहुंचूं आज काजा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबे सामने देखिए स्नो कवर्ड माउंटेन्स, वहां पे बनावट देखो आप पहाड़ का, शायद गोप्रो में अच्छे से दिख रहा है नहीं दिख रहा है कुछ मालूम नहीं है। ये स्पीति रिवर है ग्रीनिश कलर का। आज तो बिल्कुल साइकिल पे जा रहा हूँ ऐसा फीलिंग आ रहा है। ले जाओ भैया किसी भी तरीके से रस्सी, यहाँ पे तो गांव वाले तो किसी के पास रस्सी तो होगा ना। गांव वाले देने भी चाहिए सर। अरे दे देंगे यार, क्या दिक्कत है,
इतना रिमोट एरिया में है, हमको हेल्प कौन करेगा? क्योंकि ये बार बार बंद हो रहा है तो दिक्कत हो रहा है मुझे चलाने में भी। कभी बीच में ऐसा ना फंस जाए, अभी तो यहाँ पे गांव आ गया, मान लो वहां पे पहाड़ वहाड़ में अभी कहीं। फोन कर लेता हूँ, किराया तो देना पड़ेगा। किराया तो दे दूंगा, कोई उसका टेंशन मत लो। थोड़ा सा धक्का देना, आगे पार्किंग कर देते, कोई गाड़ी वाड़ी आएगा तो दिक्कत होगा। ये बहुत है बंद हो गया है। ये सारे जो हैं इस गांव के लोग हैं, इस ट्रक पे चढ़ाने में मदद किए थे ये सभी लोग। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टाइम कितना हो भैया? टाइम टाइम दे दो, टाइम बज गए जी 2:16, 2:16 भी। हां, कादे कितना दूर है भैया यहां से? 55 हो गए। गांव का नाम क्या बताया? लरी लरी गांव है, पूरा एप्पल का पेड़ है सब, नो कवर माउंटेन्स है। बाइक तो चढ़ा दिया, अभी यहाँ पे चाय पीने के लिए रुका हूँ, ये ड्राइवर का मकान है। अरे लेना उसको भी।